नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महर्रा, ललितपुर। मैं आपके लिए आज लाया हूँ DL.ED प्रथम सेमेस्टर में जो क्लास चल रही थी उसके आगे का टॉपिक। मैं पढ़ा रहा था व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के बाद उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। उसमें मैं प्राणत्व के आधार पर, उससे पहले मैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बता चुका हूँ। इसके बाद है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मैं आज प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण पर चर्चा करूँगा। प्राणत्व क्या होता है? प्राणत्व जो वायु, प्राण का अर्थ होता है वायु। जो प्राण वायु जिस शब्द, जिस वर्ण के लिए जितनी अधिक प्रयोग होती है, या किसी वर्ण में कम प्रयोग होती है, किसी वर्ण में अधिक प्रयोग होती है, इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ध्वनियों के उच्चारण में वायु का कम प्रयोग किया जाता है, वायु कम प्रयोग की जाती है अथवा अधिक, इसके आधार पर ध्वनियों का प्राणत्व आधारित होता है। ऐसी ध्वनियाँ प्राणत्व ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अल्पप्राण और एक होती है महाप्राण। अल्पप्राण ध्वनि, अब हम अल्पप्राण ध्वनि के बारे में देख लेते हैं। अल्पप्राण ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण तथा वायु का कम अथवा अत्यधिक प्रयोग होता है, अल्प प्रयोग होना, मतलब वायु का कम या बिल्कुल अल्प प्रयोग होना कहलाता है अल्पप्राण। वायु का कम प्रयोग होना, जिस वर्ण में वायु का कम प्रयोग होता है वह अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे जो पंचम वर्ग होते हैं उनमें उनका पहला वर्ग, तीसरा और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं। जैसे का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और अंत्यस्थ व्यंजन यारा, ला, वा। फिर से सुन लीजिए का, गा, अंगा, चा, छा, इया, चा, जा, इया, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, यारा, ला, वा, अंत्यस्थ व्यंजन। मतलब स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग में से प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग और अंत्यस्थ, ये होते हैं अल्पप्राण। अब आते हैं महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का अधिक प्रयोग होता है, अल्पप्राण से अधिक प्रयोग, अल्पप्राण की अपेक्षा अधिक प्रयोग होना महाप्राण कहलाता है। इन्हें महाप्राण कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्गीय ध्वनियों में दूसरे और चौथे प्रत्येक वर्ग के वर्ग हिंदी में प्रत्येक वर्गीय ध्वनियों के दूसरे और चौथे व्यंजन अर्थात खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, ढा तथा फा, भा महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इनके अतिरिक्त ऊष्मीय ध्वनियाँ सा, सा, सा और हा अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। फिर से सुन लीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में ध्वनि का अधिक प्रयोग होना
यानी अल्प प्राण से अधिक अधिक वायु का प्रयोग होना महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ वर्गीय व्यंजन के दूसरा और चौथा व्यंजन अर्थात खा घा छा झा ठा ढा था धा तथा फा भा महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त ऊष्मी व्यंजन ऊष्मी ध्वनियाँ सा 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 और हा महाप्राण ध्वनियाँ हैं। हिंदी में महाप्राण व्यंजनों के साथ हा जोड़ने पर महाप्राण ध्वनियाँ बनती हैं। संस्कृत में व्यंजन ध्वनियों को हल कहा जाता है, अतः व्यंजन ध्वनियाँ वर्णमाला में हलंत होती हैं। इसके इनमें हा जोड़ने पर महाप्राण ध्वनियाँ बनती हैं। पाणिनि के अनुसार ध्वनियों में हलंत ध्वनि व्यंजन ध्वनियों में हलंत जोड़ा जाता है, उसमें स्वर जोड़ के पूर्ण ध्वनि बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।